भाई यार उसमें उनका एक फ्रेंड थे प्रहलाद हाय हाय आपको देखना चाहिए, मतलब उनको देखने के बाद ये लगेगा कि हम लोग एकदम से दोबारा से गांव में मतलब रहने लगे हैं। और बाकी तो, आगे बताएंगे हमारे लौकी बाबू। मैं तो आपको पहले सब पंचायत का फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए, फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही आपको मालूम चलेगा सेकंड पार्ट में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ कुछ करेक्टर ऐसा है जो फर्स्ट पार्ट से कुछ ज़्यादा ही रिलेट करता है। और इसमें एक हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं देखिए, हम लोग कल का तेल फिर से भूल गए थे, तेल भूलने की वजह से हमें फिर से घी में बना रहा हूँ दाल। और देखिए दाल में क्या डाल रहा हूँ मैं, प्याज टमाटर धनिया मिर्ची और लहसुन और जीरा है। फटाफट बना के मिलता हूँ। और हमारा चावल भी हो गया है, चावल डाल दिया हूँ मैं। भैया हम लोग निकल गए हैं ऑफिस के लिए और अभी 9:30 बजे इतनी तगड़ी धूप हो गई है। और उसमें भी ऐसा सीन आ गया है कि लोकेंद्र जी अपना टोपी छोड़ के गए थे। मैं सोचा यार कि क्यों ना थोड़ा फैशन में बना लिया जाए, इसको चश्मा और टोपी दोनों लगा लिया। ऑफिस में तो ऐसे जाते नहीं है। मुकेश जी अभी भी थोड़ा सीरियस मूड में लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा सा दुखी टाइप के हो गए हैं, घर से आए ना तो थोड़ा थोड़ा सा लो फील करते हैं। दाल चावल खिला रहा हूँ इनको, हो जाएंगे थोड़ा तैयार, हो जाएंगे दाल खा के। हर दिन हमको भगाने में लगे हुए हैं, इसीलिए डेली बस दाल चावल खिला रहे हैं। नहीं भाई, कल नहीं खिलाए। कल शाम में खाना बच गया था भाई, तो उसमें हमें सोचा यार कि अपन खा लेते हैं, पनीर खाएंगे तो फिर किसी और दिन खा लेते हैं। और क्या, मेरा दाढ़ी सोच रहा हूँ कटवा लेता हूँ। मेरी बीवी बोलती है कि दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, क्या करूँ मैं, किसको संभालूँ, समझ नहीं आ रहा। हम लोग ऑफिस आ गए और लगभग हो गया 1 से 2 घंटे हो गए हम लोग को बैठे हुए। और अपना थोड़ा थोड़ा जो भी काम बचा था वो काम करके हम लोग बस बैठे हैं। और देखिए क्या कर रहे भाई साहब, हमारे पास काम बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं है, क्योंकि काम करना तो जरूरी है लेकिन क्या करें भाई, जीवन व्यर्थ है। जो भी बोले वो अपने जोन में नहीं है इसलिए ऐसे बोल दे, लेकिन वो इन सब चीज़ों का बुरा मत मानिए। काम करते रहिए, बिना काम कुछ नहीं होने वाला है। मेरा ही देख लीजिए, दिन भर ऑफिस में, फिर उस पर शाम में सुबह में कहाँ कहाँ क्या क्या ब्लॉग करते हैं, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है, कुछ तो कुछ कर रहे हैं ना भाई आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। इसी तरह मुकेश जी हैं, वो बोलते रहेंगे, आप लोग हंसते रहिए। हेलो क्या ले लो, हेलो यार, हेलो बोल रहे हैं, क्या ले लो, कुछ भी बोलते हैं, बोलने कुछ भी बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। हम लोग तो काफ़ी काम कर रहे हैं, बस क्या करते हैं वो हम दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि काफ़ी काम रहता है, फ़ोन चलाना वगैरह वगैरह और सब। और फ़ोन चलाते चलाते आज हम लोगों ने पंचायत देखा और भाई क्या सीरीज है यार, देखना चाहिए आप लोगों को, जरूर देखना चाहिए। मैं उसका लिंक डालूंगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ऐसी ऐसी सीरीज हमेशा नहीं आती है, आपको उसको देखने के बाद रियल फीलिंग आएगा कि हमारी गाँव कैसे डेवलप कर रही है और चीज़ें कैसे वर्क करती है। और भाई उसमें अपना विकास भाई क्या काम किया बंदा, एकदम विकास तो यार गजब का मतलब है, सीरियसली आपको दिल जीत लिया भाई यार। उसमें उनका एक फ्रेंड थे प्रहलाद हाय हाय, आपको देखना चाहिए, मतलब उनको देखने के बाद ये लगेगा कि हम लोग एकदम से दोबारा से गांव में मतलब रहने लगे हैं। और बाकी आगे बताएंगे हमारे लौकी बाबू। मैं तो कोई कैरेक्टर पसंद आया होगा कुछ, तो सभी का पसंद, मतलब जितने भी थे सबको पसंद आया मुझे तो। उसमें देख के बोले, हम आपकी तरफ बोलेंगे देख करके। मैंने क्या किया, मतलब आज स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग किया था आज ही और आज ही एंड कर दिया, ठीक है, 8 एपिसोड मैंने आज ही देख दिए। सही, वो ऐसा इंटरेस्टिंग था ही कि आप उसको छोड़ के हट ही नहीं सकते हैं, इतना मस्त बनाया ही गया है। और अपना जीतू भैया, उनको तो जानते ही होंगे, जो कि अभिषेक नाम का रोल कर रहे हैं भाई, क्या मतलब बंदा ने डेवलप किया अपने आप को, मतलब और TVF वाले को थैंक यू बोलना चाहिए कि इतने अच्छे करेक्टर को वो सामने लाया है। और उसका नाम वही ना, और प्रधान जी जो हमें बहुत पसंद आई, पहला पार्ट हम लोग देखे थे तो उसमें कुछ, ये पहला बार ऐसा हुआ था गाइस कि हम लोगों को मतलब ऐसा हुआ था कि कुछ अलग ही हटके मिली थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई थी हम लोगों की यार, बहुत ज़्यादा रिलेट कर गए थे अपने गांव से,
अपने जगहों से, हालांकि वो तो यूपी का ही सीन दिखाया गया है, मुझे नहीं पता था कि हाँ फुलेरा यूपी में पड़ता है, लेकिन बाद में पता चला। हाँ बाद में पता चला, सीरीज देखने के बाद मुझे पता चला। हाँ अभी ठीक है, तो सर्च किया मतलब ये कहाँ पड़ता है, फुलेरा बलियम पड़ता है। अब मिर्जापुर तो ध्यान है, हमेशा जाते रहते हैं ना, बलिया बहुत बलिया नहीं गया के गांव के से। तो उसके बाद हमने पहला पार्ट देखा तो हमें कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन लगा उस सीरीज से, तो हमने खूब देखा उसको और खूब इंजॉय भी किया, उसके बारे में बात भी की हम लोग। फिर दोबारा ऐसा किया कि वो दूसरे पार्ट के लिए वेट करना पड़ा था हमें, और पहले से माहौल बना दिया था, पहले से ही माहौल बना दिया था उसके कि हाँ देखना है देखना देखना, आते ही हम लोग देख लिए हैं। हर करेक्टर ने अपना अच्छा काम किया है, और मैं पूछना चाहूँगा मुकेश जी से कि आपको कौन सा करेक्टर ज़्यादा पसंद आया था? भाई मेरा तो सबसे फेवरेट करेक्टर बिकसवा वाला था, क्या बंदा था यार, मतलब विकास था यार, मतलब उस हर एक डायलॉग, मतलब हर एक पंच ऐसा लगता था कि मतलब मैं अपने किसी बचपन के फ्रेंड से मिल रहा हूँ, वो ऐसा कर रहा है, मतलब उसका एक बार चेयर पर बैठा था, वो दिखेगा नहीं आप लोगों को अगर मतलब हमारे लिए विकास बाबू यही है, विकास बाबू यही है भाई। और क्या मस्त करेक्टर था बंदा ने, मतलब जीतू भैया का तो बहुत परेशान किया कहीं कहीं पे, और हमारा तो एकदम फेवरेट करेक्टर था कितना, मतलब आपको देखना चाहिए, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए। मुझे प्रहलाद का भी करेक्टर बहुत अच्छा लगा था। आप ऐसे उसे काफ़ी सीरीज देखे होंगे, लेकिन पंचायत बहुत कम ऐसे सीरीज बनाता है, मतलब आपको देखना चाहिए। और उसका हर एक करेक्टर बेस्ट है, लेकिन विकास का करेक्टर जो है मतलब सुपर बेस्ट है, सुपर से भी ऊपर है भाई, बंदे ने क्या मतलब शो किया है अपने आप को, एकदम हर चीज रियलिटी ला दिया था। जैसे गांव में कोई बंदा एक अपने बड़े से या छोटे से जैसे बात करता है ना, जिस टोन में बात करता है एकदम एक्चुअल वैसे ही, मुझे तो फील हो रहा था कि यार मैं किसी अपने गांव वाले बंदे को देख रहा हूँ जो ऐसे बात कर रहा है। और आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहा है। जब मैं बोला ना कि वो प्रहलाद चा बोला ऐसे ना, तो मैं बोला यार ये तो ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं भाई, पूरा गांव का दिखाया ही गया, गांव का सारा चीजों को, बारीकी चीजों को भी पकड़े थे पंचायत, हम लोग कर ही रहे थे कि ये बस बंद करने में लगे हुए हैं। 6 बज गया है फिर भी बैठे हुए ऑफिस में, और जाना होगा कृष्णा को कहीं जाना होगा तो इसलिए ऐसा बोल रहा है, फिर भी हम लोग 10 मिनट मांग रहे हैं तुमसे भाई, भैया भैया 10 मिनट ठीक बाबू। और हमारे लौकी बाबू को कुछ इमरजेंसी काम आ गया इसलिए थोड़ा बिजी हो गए हैं, लेकिन इन्होंने भी सीरीज को काफ़ी इंजॉय किया। ये तो रात को ही देख लिए थे पूरा का पूरा, मैं तो सो गया था, और फिर मैं सुबह देखा, सुबह से अब शाम तक खत्म कर दिया पूरा जो है। अच्छा छोड़िए, लेकिन बोला था ना कल इनको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, आज उसकी जगह ऐसे ऐसे करके आज कुछ काम था नहीं, काम था सामने वो खत्म किया भाई। ऐसा सीरीज था मतलब आप नजर हटा ही नहीं सकते, मतलब एक बार बैठ के देखने पूरा खत्म करके ही मानेंगे। आपको पहले सब पंचायत का फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए, फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही आपको मालूम चलेगा सेकंड पार्ट में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ कुछ करेक्टर ऐसा है जो फर्स्ट पार्ट से कुछ ज़्यादा ही रिलेट करता है। और इसमें एक नया चीज़ ऐड किया गया है जो कि जीतू भैया को किसी से प्यार हो, मतलब प्यार होने के लिए दिखाया गया है, धीरे 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 अभी उस चीज़ में उसको लव दिखाया गया है, और वो इतना मस्त दिखाया गया कि जो आज से मतलब 90s के फिल्मों में दिखाया जाता था, और वो चीज़ें अभी शो हो रहा है। और जो अभी न्यू मतलब बॉलीवुड के जो भी वेब सीरीज बन रहे हैं उसमें डायरेक्ट प्यार दिखाया है, लेकिन इसमें ऐसा उसका, नहीं उसका किया। रीजन जानते क्या है, उसका रीजन ये कि वो गांव से ही दिखाया पूरा रिलेट, ठीक ना, गांव के लोग उतना एक्सप्रेसिव होते नहीं है किसी चीज़ के लिए कि हाँ यार हमको तुमसे प्यार है चलो सही है उधर चलते हैं, तो वो वाला चीज़ नहीं है। और तो मतलब अपने प्रधान जी का तो कहना ही नहीं भाई, डायरी में रखी और वो चीजें हो रहा है एकदम प्लेन टाइप का। और जीतू भैया का एक फ्रेंड आते हैं जिनको आप जानते होंगे, और वो बंदा क्या मस्त है यार, वो गांव में एंजॉय करने आता है लेकिन उसे उसे भैंस मार बैठता है, और उसके वजह से फिर बजाता है जब उस समय, और वो कैरेक्टर मतलब थोड़ा देर के लिए है लेकिन मतलब काफी फनी कैरेक्टर है। और अपना प्रधान जी का एक एक सीन क्या मस्त है। प्रधान जी को जानते क्या होता है, प्रधान जी को जब कभी मतलब कि वो उनको गुस्सा दिलाना पड़ता है, जैसे उनको कोई गाली दे दिया हाँ ठीक है, जब बेइज्जती की जगह ना तुमको गाली कैसे देते तब तो जाकर उसको ठोक देंगे, ये ऐसा वाला काम रहता था उनका प्रधान जी का। एक एक करेक्टर शानदार है, और आपको पंचायत देखना ही चाहिए, ऐसा पंचायत नहीं तो है देखना चाहिए, हम फैमिली के साथ देख सकते हैं पूरी। और ऐसा नहीं कि मैं पंचायत को प्रमोट कर रहा हूँ, बट अच्छा लगा ऐसा, मतलब
वेब सीरीज काफी वैसे भी मैं प्रमोट करना चाहूंगा यार, भले नहीं पूछे लेकिन अपन कर देंगे ऐसे ही कर देंगे पंचायत अच्छा बनाया गया है जिसे आपको देखना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो फैमिली के साथ देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, कोई गाली नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे खुद से कि वो अपन तो ऐसे ही के पूरा गांव से ही आते हैं तो गांव वाला ही फीलिंग है पूरा अच्छा वाला। तो दोस्तों आज हम लोग ऑफिस छोड़ रहे हैं क्योंकि आज का जो भी है हो गया और टाइम शायद लगभग 7:45 के आसपास हो रहा है, तो हम लोग ऑफिस से निकलेंगे और हम लोग जाएंगे मार्केट जाएंगे और संदीप जी आज हमें पनीर खिलाने वाले हैं क्योंकि हम जब से आए हैं बस एक ही दिन पनीर खिलाए हैं और ये सबसे दुख की बात है, तो आज हम लोग पनीर खाएंगे और संदीप जी मार्केट जाने के लिए देखिए यहीं से रेडी हो रहे हैं क्योंकि इनका अट्रैक्शन अलग ही चलता है मार्केट में। और बस ऑफिस अब क्लोज हो गया है भैया, देख लीजिए यार बड़ा मेहनत करना पड़ता है माइक लगाने के लिए माइक का और उसके बाद चलिए हमारा दाल और तेल का काम तो हो गया लेकिन अभी और कुछ सोच रहे हैं, ले लेते हैं मैगी ले ले क्या करें समझ नहीं आ रहा है, मैगी लेंगे या फिर